जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज बात करने वाले हैं टॉप 8 अपकमिंग वैकेंसीज की जो बिहार गवर्नमेंट में आने वाला है। ये वैकेंसीज, इसमें हम बात करेंगे जो कुछ आ चुके हैं एक दो वैकेंसीज और जो आने वाले हैं। ये देखिए टोटल बात हो रही है 2022 के अंदर में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 2022 के अंदर में जितने वैकेंसीज आने वाले हैं इसमें, देखिए इस लिस्ट में अगर मैं बात करूँ, सचिवालय सहायक एक लेटेस्ट है जो आ चुका है, ठीक है। सचिवालय सहायक का तो वैसे जान लीजिए कि लगभग 1300 1350 के आसपास सीट है, और इसके अलावा और भी सारे पोस्ट मिला के जो अभी अपना जो फॉर्म फिल हो रहा है, आप सभी जान रहे होंगे, ठीक है। जो फॉर्म फिल हो रहा है बिहार SSC CGL 3 का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसका हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वैसे सचिवालय सहायक इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इसको छोड़ के हम लोग बाकी बात करेंगे। टॉप 8 वैकेंसीज, इवन मोर देन दैट, 8 से ज्यादा हो जाएंगी, तो इस सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2022 में जो आने वाली वैकेंसीज हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली वैकेंसी की अगर हम लोग बात कर ले, 2022 की अपकमिंग जो सबसे पहली वैकेंसी होगी, अगर हम बात करें, देखिए बिहार सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर पहला हमारा ये वैकेंसी होगा, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ठीक। अगर इसका हम बात करें कितने पोस्ट पे आएगा, देख लीजिए बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की बात कर लें तो ये लगभग लगभग देखिए 600 सीटों के आसपास में ये आने वाला है, लगभग 600 सीटों पे आएगा, ठीक है। तो ये लगभग 600 सीट पे आएगा। और अगर हम बात करें ये कब तक आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दो ही चीजों से तो अभी हम लोग को मतलब है कि आ कब तक सकता है। देखिए 600 सीटों पे आएगा, और इसका जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है अगर हम बात कर लें, ये लगभग लगभग ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए जुलाई के मिड तक ही आ जाएगा, जून लास्ट से जुलाई मिड तक आ जाएगा 2022 में, बिल्कुल संभावित है, एकदम लिस्टेड है, ठीक है। तो इस पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन, गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50+ प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था परफेक्शन दृष्टि बीपीएससी मेकर, इन सबके टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम गूगल पे फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर एड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम गूगल पे फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। कौन लोग इसको भर सकते हैं, देखिएगा वैसे लोग भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। और एक और मैं बात आपको बोलूंगा, जैसा कि अभी NCL वगैरह सर्टिफिकेट का जो दिक्कत हो रहा है तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह दुरुस्त रखिएगा, हो सकता है इसमें मांगे या पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिहार सब इंस्पेक्टर की हम लोग बात करेंगे, बिहार SI है ना, बिहार सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार SI, ठीक है। इसका भी जो है यहाँ पे संभावित है, संभावित सीटों की इसकी अगर हम बात करें, देखिए लगभग 2300+ सीटों पे आ सकता है। इसमें एक और चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा लगभग यहाँ पे 300+ तो 200% सीट आने वाला है, लेकिन जो संभावना बन रही है अभी हाल में 600 से ज्यादा सीटों की बन रही है, लेकिन 300+ आपको डेफिनेटली मिलेगा बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का। इसमें जो है जो फिजिकल होता है, ये फिजिकल देखिए 25 किलोमीटर का जो है, इसमें आपको सीधा सीधा वॉकिंग रनिंग जो बोल लीजिए वो करवाता है, इसमें फिजिकल रहता है तो 25 किलोमीटर का वॉकिंग रनिंग जो भी होता है। और ये आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है ये लगभग आधे घंटे या एक घंटे में ये करना रहता है, आई थिंक जो मुझे ध्यान आ रहा है, मतलब ये एक बार आप लोग मुझे एक बार करेक्ट कर दीजिएगा 25 किलोमीटर कितने टाइम में करना होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा है। सब इंस्पेक्टर का आप सभी जान रहे हो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है और बाकी रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब तो इसमें रहता ही है। ये आ कब सकता है, देखिए इसका भी जो लिस्टिंग है अगर हम बात कर लें, इसका भी लिस्टिंग देखिए जून से लेके जुलाई तक ये आ सकता है, जून से जुलाई तक आ सकता है 22 में, ठीक है।
ये एकदम लिस्टेड है, एकदम आने ही वाला है, एकदम 200% ये एकदम ही फिक्स है, आने वाला है। दो वैकेंसीज हो गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड है, एकदम ही ये आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस जिसमें कांस्टेबल वगैरह रैंक का पोस्ट होता है, तो अगर इसके हम बात करें, देखिए बिहार पुलिस इसकी सीटों की संख्या की बात करें, ध्यान दीजिएगा ये लगभग 12,000 प्लस सीटों पे आएगा, 12,000 प्लस पोस्ट रहेगा इसमें, ठीक है। आप सभी जानते हो ये 10वीं से 12वीं लेवल तक का ये पोस्ट होता है, 10वीं वाले बच्चे भी इसमें 12वीं वाले भर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो संभावना जो जताया जा रहा है, ये लगभग देखिए अगस्त तक ये आ सकता है, अगस्त जुलाई अगस्त तक ये 2022 में ये जो है इसके आने के चांसेस है, 200% ये भी लिस्टेड है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपना जो वैकेंसी, अगर हम बात कर ले नेक्स्ट वैकेंसी अपनी क्या है, ठीक है, तो देखिए 67वीं का तो आप सभी जान रहे हो कि लगभग 800 पोस्ट पे जो है, 67वीं 800 प्लस पोस्ट पे है, और अभी इसका री एग्जाम संभावित है, तो इसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ठीक है, इंटर लेवल बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी है, ये न्यू वैकेंसी है 2022 की, ठीक है। इसमें अगर हम बात कर ले, देखिए कहा ये जा रहा है, इसमें लगभग लगभग देखिए 7,000 प्लस सीट आने वाली है, 7,000 प्लस पोस्ट इसमें संभावित है, 7,000 प्लस। छोटा मोटा नरेगा आप सब जानते हो ये 12वीं लेवल पे ये होता है, ठीक है ना, ये 12th लेवल पे होता है, और ये जो है लगभग देखिए ये भी जो है अगस्त 2022 तक ये संभावित है, आ जाएगा आपका अगस्त 2022 तक, तो ये बिल्कुल लिस्टेड है, ध्यान रखिएगा। और ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है बिहार एसएससी इंटर लेवल, ये आखिरी जो आया था देखिएगा 2014 में आया था, आखिरी बार 2014 में ये आया था, और 2014 में जो आया था इसका एग्जाम हुआ देखिए 2018 में जो है दो बार ये एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, 2018 में इसका एग्जाम कितना बार हुआ था, दो बार इसका 2018 में एग्जाम गया था, फिर इसका जो है 20 में रिजल्ट दिया, 21 में फिर इसका जो है सब कुछ तामझाम कर रहा है, अभी भी इसका हो ही रहा है, तो अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं, ठीक है ना। लेकिन हाँ अभी जो नया वाला जो है 22 वाला जो है ये लिस्टेड है, अब सब कुछ कंप्लीट होने को है, तो अब ये आ सकता है। अब देखिए इसके बाद जो है, अब थोड़ा हम लोग लोअर कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिहार पुलिस ड्राइवर भी आने वाला है, ठीक है ना, बिहार पुलिस ड्राइवर, ठीक है, इसका वैकेंसी आने वाला है, और इसमें अगर सीटों की अगर हम संख्या बोल लें, देखिए 900 प्लस इसमें पोस्ट रहेंगे, 900 प्लस इसमें पोस्ट रहेंगे, ये देखिए 10वीं लेवल पर रहता है, 10वीं 12वीं लेवल पर रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका भी संभावना है अगस्त से लेकर सितंबर तक ये आ जाएगा, मतलब देखिए जितने वैकेंसीज हम बोल रहे हैं ये सारे के सारे इस साल में आने के पूरे चांसेस है, अगस्त सितंबर तक में ये आ जाएगा, ये भी एकदम लिस्टेड है। नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम बात कर ले इसके बाद, अगर देखिएगा तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके बारे में बात हुआ है, बहुत बार, लेकिन ये अब आने वाला है बीपीएससी असिस्टेंट का, ठीक है ना, बीपीएससी असिस्टेंट, ये भी जो है वैकेंसी एकदम मोस्ट अवेटेड है बीपीएससी की, और लगभग देखिए 75 से 80 पोस्ट पे ये आएगी, 75 से 80 प्लस पोस्ट पे ये संभावित है आने की, ठीक है। कब तक आएगी ये, क्योंकि बार बार इसके बारे में बच्चे पूछते रहते हैं, इसका मैं बता दूं, देखिए लगभग देखिए अगस्त सितंबर तक ये आ जाएगा, जब तक ये 67वीं बीपीएससी क्लियर नहीं करवा लेते हैं ये लोग, उसके बाद एक डबल एओ का एग्जाम है बीपीएससी का, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, उनका एग्जाम लेने के बाद फिर ये सितंबर तक में जो है संभावित है ये आ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं आपको बात करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी ये भी आने वाला है, ये देखिए एमटीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमटीएस आएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये देखिए 40,000 प्लस पोस्ट पे आने की संभावना है, 40,000 प्लस पोस्ट पे ये रहेगा, ठीक है, 10वीं लेवल का ये होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वीं लेवल का ये जो है सो पोस्ट होगा, और ये जो है ये भी लगभग सितंबर तक संभावित है आने का, सितंबर तक ये संभावित है। देखिए इस साल जो है आपको बिहार सरकार भर भर के भरपूर नौकरी देने वाली है, आप पे डिपेंड करता है आप इसको लेते हो या नहीं लेते हो, या आज भी रोते रहते हो, अगर आप रोते रहोगे तो फिर देखिए रोने वाले रोते रहेंगे, लेने वाले नौकरी ले रहे हैं, आपके सहयोगी साथी जो आपके साथ में घूमते होंगे आज कहीं ना कहीं नौकरी लेके पोस्टेड है, और आज आप आज भी तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखिए मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ना आत्मचिंतन करिए, कहीं ना कहीं आप में कमी रह गई है दोस्त, तो आप रह गए हो, उस वही दिक्कत है। होता क्या है, आप देखते होगे
कि सरकार का कोई नीति आया तो बहुत बच्चे उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे चुपचाप अपना पढ़ते रहते हैं। तो जो चुपचाप पढ़ते रहते हैं, बस उनको पढ़ने से मतलब, वो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं सरकार का काम है, वो नीति बनाती है, उसका आलोचना करे कोई मतलब नहीं, और यहाँ सिर मारे कोई मतलब नहीं। हम अभी वो ऐसे जगह पे नहीं है कि हम कुछ कर लेंगे। तो वही बातें हैं, फालतू की चीजों में तर्क में ना पड़िए, अपना बस आप पढ़ाई करिए, बस यही बात है, और आलोचना नहीं करिए, रोइए नहीं। वैकेंसीज आ रही हैं, आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, नौकरी लगेगी ही लगेगी, लगी ही कैसे नहीं उसका देखिए। एक नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है जेल वार्डन की, ठीक है, जेल वार्डन की ये वैकेंसी है। जेल वार्डन की जो ये वैकेंसी, अगर हम बात करें, देखिए 1500 प्लस पोस्ट पे आएगा, 1500 प्लस पोस्ट पे आएगा ये जेल वार्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रेजुएशन लेवल पे ये रहेगा जेल वार्डन, ठीक है। इसका जो चांसेस है, देखिए नवंबर तक ये आ सकता है, नवंबर 22 तक ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, होम गार्ड का नेक्स्ट वैकेंसी है, होम गार्ड, ठीक है, होम गार्ड का जो है ये वैकेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए लगभग 12,000 प्लस पोस्ट पे आएगा, 12,000 प्लस पोस्ट पे आएगा, और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, 10वीं से 12वीं वाले जो है ये उनके लिए एलिजिबल रहेगा, और ये जो है देखिए अक्टूबर नवंबर के आसपास में जो है ना, अक्टूबर नवंबर में जो है चांसेस है इसके आने के 22 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए एक स्पेशल इस बारी एक और आने वाला वैकेंसी, बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्या है, बिहार सब इंस्पेक्टर स्पेशल क्राइम ब्रांच का ये आएगा, ठीक है। देखिएगा बिहार सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर स्पेशल क्राइम ब्रांच, इसकी वैकेंसी आने वाली है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 300 प्लस पोस्ट पे आएगा, 300 प्लस पोस्ट पे आएगा, और ये कब तक आ जाएगा, देखिए ये नवंबर टू दिसंबर तक में ये आ सकता है, 2022 एकदम संभावित है, पूरा पूरा चांसेस है इसके आने के, एकदम आ सकते हैं, ठीक है। और एक और जो है ध्यान दीजिएगा, एक जो नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम बात करें इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी क्या है इसमें देख लीजिएगा, ये है देखिए साइबर सब इंस्पेक्टर का ये आने वाला, एक साइबर सब इंस्पेक्टर ये भी एक आने वाला है, साइबर सब इंस्पेक्टर, ये लगभग लगभग ध्यान दीजिएगा 250 प्लस पोस्ट पे आएगा, ठीक है, साइबर सब इंस्पेक्टर का। और ध्यान रखिएगा ये ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगा, इसका जो चांसेस है ये भी जो है ध्यान दीजिएगा, नवंबर से दिसंबर तक ये आने के चांसेस है इसके, नवंबर से दिसंबर तक इसके आने के चांसेस है, पहले भी आ सकता है, मैं एक संभावना सिर्फ बता रहा हूँ। और आखिरी एक और वैकेंसी है जिसका मैं यहाँ नाम लिखना चाहूंगा, ठीक है, आखिरी वैकेंसी है ये, और अगर हम बात कर लिए कौन सी वैकेंसी है आखिरी वाली, ठीक है, यस देखिएगा, तो ये आने वाला देखिए पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का आने वाला है, ठीक है, पटना हाईकोर्ट, और ध्यान दीजिएगा ये पटना हाईकोर्ट जो है अलग अलग जो है वेरियस पोस्ट पे ही आने वाली है, ठीक है, वेरियस पोस्ट पे, तो इसकी सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना, वेरियस पोस्ट पे आएगी, इसका अभी कोई डिफाइन नहीं है सीट, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, ये लगभग देखिए ये भी नवंबर दिसंबर के आसपास जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस जो है ये आ सकता है 2022 में। तो दोस्तों ये था हमारा, देखिए टॉप 8 मैंने आपको बोला था, लेकिन मैं यहाँ आपको 12 वैकेंसी मैंने यहाँ पे आपको बता दी जो बिहार सरकार की लिस्टेड है आने वाली इस साल। फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, देखिए बिहार सब इंस्पेक्टर लगभग बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर लगभग 600 प्लस या 600 के आसपास, देखिए 300 प्लस तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन 600 में बोल के चल रहा हूँ क्योंकि ऐसी अधियाचना प्राप्त हो रही है, तो 600 प्लस सीटों पे एक्साइज सब इंस्पेक्टर का आएगा, जुलाई तक चांसेस है, ग्रेजुएशन पे होगा ये। बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार एसआई 2300 प्लस सीट्स पे आएगा, ठीक है, जून जुलाई में ये आ जाएगा। बिहार पुलिस का लगभग 12,000 प्लस सीट आने वाला है, अगस्त तक ये आ जाना है इसको। बिहार एसएससी इंटर लेवल देखिए लगभग 7,000 प्लस पोस्ट रहेगा, आखिरी एग्जाम इसका जो हुआ था 2014 में हुआ था, और ये लगभग ध्यान दीजिएगा ये अगर हम बात करें 12वीं लेवल 10वीं 12वीं लेवल पे ये होता है, और अगस्त तक में आ जाएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर का भी आने वाला 900 प्लस पोस्ट रहेगा 10वीं लेवल पर। फिर बीपीएससी असिस्टेंट लगभग 75 से 80 सीट आने वाला है, सितंबर तक ही आ जाएगा। बिहार एसएससी एमटीएस लगभग 40,000 प्लस पोस्ट पे आएगा,
टेंथ पास पे ये रहेगा और सितंबर तक ये इसका चांसेस, सितंबर अक्टूबर तक इसका चांसेस है। जेल वार्डन एक आने वाला है, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा पोस्ट है ये, 1500 प्लस पोस्ट रहेगा, नवंबर दिसंबर तक में आ जाएगा और इसमें ग्रेजुएशन जो है आपका क्राइटेरिया रहेगा। होमगार्ड का आने वाला 12000 प्लस, ये 10th 12th लेवल पे रहेगा, अक्टूबर नवंबर तक ये आ सकता है। बिहार सब इंस्पेक्टर ध्यान दीजिएगा, स्पेशल क्राइम ब्रांच, ये एक नया वैकेंसी है और काफी ये आकर्षित भी करेगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हो अभी जैसा ऐसा क्राइम हो रहा है, सारा का सारा ऑनलाइन और इंटरनेट थ्रू क्राइम हो रहा है, जैसे अभी बीपीएससी का पेपर लीक, तो इन सब की जांच करने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम ब्रांच और ऐसे ऐसे साइबर सेल की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए साइबर इंस्पेक्टर भी, इनका भी वैकेंसी निकाला गया है। ध्यान दीजिएगा कितना वैकेंसी है, देखिए लगभग 250 प्लस पोस्ट आने वाला है और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच की यहाँ बात करें 300 प्लस इसमें भी पोस्ट नवंबर दिसंबर में आ जाएगा और पटना हाईकोर्ट वेरियस पोस्ट ये आएंगे और इसका भी वैकेंसी कितना नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा ये डिस्क्लोज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है, ये जो अपकमिंग वैकेंसीज है, इसको देख के आप लोग हाईलाइटेड होंगे और निराश नहीं होंगे, बस पढ़ाई में आप लोग एकदम फाड़ के लगे रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने राय जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगने पे वीडियो को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।